नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल में नई क्रेन चालू एवं उद्घाटित। सिंटरिंग प्लांट 2 में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आरएसपी द्वारा प्रोत्साहित उद्यमी महिलाओं का भुवनेश्वर के सिसिर सरस मेला में भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग में 31 जनवरी को आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री केवी रमणन ने रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल के एलटी फिटिंग बे में एक नए छोटे आकार के क्रेन का उद्घाटन किया। उप महाप्रबंधक प्रभारी आरएसई श्री आरबी पाड़ी एवं विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल के एलटी फिटिंग बे में 5 टन क्षमता वाली एकमात्र छोटे आकार की क्रेन थी। इसे 1969 में आयात कर चालू किया गया था। छोटे आकार के एलटी मोटर 225 फ्रेम आकार तक को रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल के एलटी फिटिंग बे में मरम्मत ओवरहॉलिंग की जाती थी। क्रेन के ब्रेकडाउन के कारण और स्पेयर्स की अनुपलब्धता से शॉप की उत्पादकता गंभीर रूप से प्रभावित होती थी। एएमआर योजना के माध्यम से इस नए छोटे आकार के क्रेन को खरीदा गया था। क्रेन का स्थापना कार्य दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ किया गया था और कार्य पूरा होने के बाद उसे 30 जनवरी 2018 को चालू किया गया। क्रेन के सफलतापूर्वक चालू होने से यह शॉप के उत्पादकता को निरंतर बनाए रखने में सहयोग करेगा। सेंटरिंग प्लांट 2 में 3 फरवरी को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक सेंटर श्री एस आर दत्त ने समारोह की अध्यक्षता की और एसपी 2 के एसओएसटी श्री एम रहमान को दिसंबर 2017 माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं गिफ्ट वाउचर शामिल था। श्री दत्त ने श्री रहमान की प्रतिबद्धता एवं समर्पण भाव की सराहना की और दूसरे को इसका अनुसरण करने हेतु अभिप्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि श्री रहमान को डिस्पैच सीरीज केबल बिछाने और बिजली की मरम्मती वाली सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री शुभेंदु गरुड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा प्रोत्साहित महिला उद्यमियों ने 5 से 15 जनवरी तक भुवनेश्वर के आईडीसीओ प्रदर्शनी मैदान में आयोजित सिसिर सरस मेला 2018 में भाग लिया। ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसाइटी ORMAS ने हस्तशिल्प और स्वदेशी ग्रामीण उत्पादों के लिए ग्रामीण मेला का आयोजन किया। नुआगांव ब्लॉक के लेंड्रा गांव में रीना महिला संसाधन केंद्र की सचिव सुश्री मालती मुंडारी ने आरएसपी द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के महिला सशक्तिकरण पहल के तहत समर्थित ग्रुप ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में दीपिका महिला जागृति संस्थान और महिला संसाधन केंद्रों के सदस्यों द्वारा बनाई गई हथकरघा उत्पाद, खाद्य वस्तुएं, हस्तशिल्प, फिनाइल और सैनिटरी नैपकिन शामिल थे। मेले में भारत के 24 राज्यों के 280 से अधिक स्टॉल थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी अपने आर्थिक सशक्तिकरण के तहत विभिन्न मेलों में विपणन कौशल और रणनीतियों के विकास के लिए महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।